आईटीआई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मेंटेनिंग इफिशियंसी एट वर्कप्लेस, यानी कि जहां पे आप कार्य कर रहे हैं वहां पे आप दक्षता कैसे मेंटेन करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता क्या होती है। उत्पादकता होती है आउटपुट बटे इनपुट, यानी कि जो आउटपुट को हम इनपुट से भाग देते हैं तो हमें उत्पादकता प्राप्त होती है। प्रोडक्टिविटी इज द रिलेशन बिटवीन द आउटपुट जनरेटेड फ्रॉम ए सिस्टम एंड द इनपुट दैट आर यूज टू क्रिएट दोज आउटपुट्स। यानी कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जो है एक सिस्टम द्वारा जो आउटपुट हमें मिलता है उसको जो है उस आउटपुट को प्राप्त करने के लिए हमने जितना इनपुट लगाया है उससे भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगी, उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज यूजिंग योर टाइम एनर्जी एंड अटेंशन इफेक्टिवली टू अचीव योर गोल। यानी कि उत्पादकता का मतलब यह है कि आप अपना समय, ऊर्जा और आप अपना पूरा ध्यान जो है किसी लक्ष्य के लिए लगाएंगे तो आपको जो है उत्पादकता प्राप्त होगी। लेबर की प्रोडक्टिविटी का क्या फार्मूला होता है, ये निकाला जाता है आउटपुट पर पीरियड बटे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट वर्क, यानी कि कितना उन्होंने आउटपुट दिया जो लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ये इस हिसाब से निकाला जाता है। जैसे है 1000 यूनिट पर एम्प्लॉय पर मंथ, यानी कि एक आदमी ने 1000 यूनिट काम किया है एक महीने में, इस तरह जो है ये निकाला जाता है। एक उदाहरण से देखते हैं। प्रिसीजन प्लास्टिक मेक्स 5000 प्रोडक्ट्स ईच वीक, यानी कि प्रिसीजन प्लास्टिक एक कंपनी है जो हर हफ्ते 5000 प्रोडक्ट बनाती है। टोटल वीकली लेबर आवर्स आर 1250, यानी कि 1250 जो है टोटल लेबर जो है वहाँ 1250 घंटे कार्य करते हैं। व्हाट इज लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी कि लेबर की उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी क्या है, तो ये होती है आवर पर यूनिट। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो लेबर प्रोडक्टिविटी हो जाएगी कितना घंटा लेबर लोगों ने काम किया है बटे कितनी यूनिट बनाई है। तो काम किया उन्होंने 1250 घंटे, यूनिट बनाई है 5000, जब भाग दे देंगे तो आएगा 0.25 आवर्स पर यूनिट, यानी कि इतने समय में वो एक यूनिट बनाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी संगठन में क्या क्या चीजें उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो आपकी उत्पादकता अच्छी होगी, आपके पास ज़्यादा काम मैनुअल है, टेक्नोलॉजी का आप कम प्रयोग करते हैं तो आपकी उत्पादकता कम रहेगी। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, आपको समय पे अगर कच्चा माल उपलब्ध नहीं रहेगा तो आपकी उत्पादकता ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर समय पे जो है आपके पास रॉ मटेरियल उपलब्ध रहे तो आपकी उत्पादकता अच्छी रहेगी। एम्प्लॉय मोटिवेशन, यानी कि जो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं अगर वो जो है पूरे मन से काम नहीं करेंगे तो वो जो है आपकी उत्पादकता को प्रभावित करेंगे, तो उसके लिए क्या है, उनको मोटिवेट होना चाहिए, यानी कि उनको अंदर से आना चाहिए हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा काम है, हमें करना चाहिए। लीगल सिस्टम, यानी कि कोई कानूनी बाधा अगर वहाँ पे है तब भी आपकी उत्पादकता प्रभावित रहेगी। इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि आपका जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है कंपनी का, यानी कि कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है, आप कितना बेच रहे हैं, कितना आपके पास पैसा पड़ा हुआ है स्टॉक में, कितना आप मार्केट में आपका पैसा है, ये सारी चीज़ें जो है उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। नॉलेज एंड स्किल, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनका नॉलेज और स्किल उत्पादकता के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपरविजन एंड मैनेजमेंट, किसी भी कंपनी के लिए मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो उसकी उत्पादकता जो है वो प्रभावित होती है। कंपटीशन, यानी कि अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तब भी आपकी उत्पादकता जो है वो प्रभावित होती है। स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं आपको कहीं पे, तब भी आप उत्पादकता उतनी नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका ज़्यादा फोकस स्टैंडर्ड फॉलो करने पर रहेगा। टेक्निकल ग्लिच, यानी कि आपको जो है कोई परेशानी है, काम करने में कोई दिक्कत आ रही है, तब भी आपकी उत्पादकता प्रभावित होगी। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो आपकी उत्पादकता कम रहेगी, क्योंकि आप उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्ट को स्टोर करना पड़ेगा, और अगर डिमांड ज़्यादा रहेगी तो आपकी उत्पादकता अच्छी रहेगी। प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें आपको लाभ नहीं हो रहा है तब भी आप उसका उत्पादन नहीं करेंगे, इसलिए प्रोडक्टिविटी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। टिप्स फॉर इम्प्रूविंग योर इफिशियंसी एट
योर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ाई जा सकती है। पहला है एग्जामिन योर वर्क फ्लो, यानी कि कार्य जो है कैसे हो रहा है, किस गति से हो रहा है, उसको आप देखेंगे। मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जो है जो हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। कई बार जो है उल्टे स्टेप होते हैं, पहले के बाद मान लो तीसरा स्टेप हो रहा है, वहाँ पे दूसरा स्टेप जो है होना चाहिए। इस तरह जो है वर्क फ्लो जो है आपको चेक करना है। इन्वेस्ट इन एम्प्लॉय ट्रेनिंग, यानी कि जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग पे कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो लोग अच्छे से कार्य कर सकें, उनको पूरी जानकारी हो मशीन की, प्रोडक्ट की, हर चीज़ की। तीसरा है मॉडर्नाइज योर बिजनेस प्रोसेस, यानी कि आप जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसको नए तरीके से, नई मशीनों के साथ मॉडर्नाइज करिए, मतलब नए युग के हिसाब से उसको लाइए। ये नहीं कि बहुत पुरानी मशीनें यूज कर रहे हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी नहीं। इन्वेस्ट इन स्मार्ट मशीनिंग, मतलब आप नई नई मशीनें खरीद के लाएं ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। डेवलप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि आप जो है ऑर्गेनाइज्ड होने, मतलब व्यवस्थित रूप से वहां पे कार्य करें, व्यवस्थित रहें। डेवलप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो उम्मीदें जो है पूरी हो सकती हैं उन्हीं उन्हीं को करें। ये नहीं कि आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ भी जो आपको लगता है कि ये हो पाएगा उन्हीं चीज़ों पे आप कार्य करिए। क्रिएट ए कल्चर ऑफ कोलेबरेशन, यानी कि एक दूसरे से मिलजुल के काम करने का जो इन्वायरमेंट है वो आप वहाँ डेवलप रखिए, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। इन्वेस्ट इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, आप काम कर रहे हैं उस समय मशीन खराब होगी तो आपकी लाइन रुक जाएगी, आप जहां काम कर रहे हो मशीन बंद हो जाएगी, तो आप जो है प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। इसलिए समय समय पे आपका मेंटेनेंस होना जरूरी है, तो आप वहां पे फोकस करिए कि मशीन खराब ही ना हो, उसके लिए उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस पहले से ही होता रहे। जीडीपी, यानी कि जीडीपी क्या होता है, इस पर भी सवाल आता है। जीडीपी होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए गिवन टाइम पीरियड। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जीडीपी जो होता है, वो जो है एक देश के अंदर एक समय के अंदर, यानी कि एक निश्चित समय के अंदर जो फाइनल गुड एंड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो पूरी तरह से निर्मित जो है माल हैं और सर्विसेज हैं, उनकी मार्केट वैल्यू जो होती है वो हम जीडीपी कहते हैं। इसमें चार चीजें आती हैं, मार्केट वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री इन ए गिवन टाइम पीरियड। यानी कि मार्केट वैल्यू क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो पूरी तरह बन गई हैं, प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री मतलब एक देश के अंदर जो बनी हुई हैं, इन ए गिवन टाइम पीरियड यानी कि एक समय के अंदर। जीडीपी पर कैपिटा फार्मूला, यानी कि जीडीपी कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं रियल जीडीपी बटे पॉपुलेशन, यानी कि जीडीपी आपकी टोटल कितनी है उसको हम जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो पर कैपिटा जो है जीडीपी हमारी निकल आती है। एक एग्जांपल से देखते हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ए कंट्री विद ए रियल जीडीपी ऑफ 10 ट्रिलियन ड्यूरिंग 2018 एंड ए पॉपुलेशन ऑफ 250 मिलियन ऑन December 31, 2018। कैलकुलेट द जीडीपी पर कैपिटा फॉर द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर 2018। यानी कि एक उदाहरण लेते हैं, 2018 में किसी देश की जीडीपी जो है वो 10 ट्रिलियन थी, उसकी पॉपुलेशन 250 मिलियन है, तो पर कैपिटा जीडीपी कितनी होगी। जीडीपी पर कैपिटा कैसे निकालेंगे, तो आपकी जो टोटल जो है जीडीपी है उसको जो है जनसंख्या से भाग देंगे, यानी कि 10 ट्रिलियन को भाग देंगे 250 मिलियन से, तो आएगा $40,000 पर कैपिटा। इस तरह जो है ये जीडीपी हम निकालते हैं। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी व वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।